इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मौजूदा क्यादत और पिछली क्यादत जो पीटीआई को मुश्किल वक्त में छोड़ गई थी, उनमें तल्ख जुमलों का तबादला जारी है, जबकि दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले भी किए जा रहे हैं। कल पीटीआई के मौजूदा रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें कहा गया कि हम सब एक हैं और जो इस वक्त पीटीआई में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पीटीआई के मौजूदा मेंबर्स उमर अयूब, रऊफ हसन, शहरयार खान अफरीदी, शिबली फराज सब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये इत्तफाक किया कि सब मिलकर काम करेंगे और जिसको इमरान खान ने जो काम सौंपा है सब मिलकर उसके साथ खड़े हो जाएंगे। अब इसी के साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है और साथ ही फवाद चौधरी की जो बीवी हैं उनको भी शेर अफजल मरवत ने कुछ नाजेबा अल्फाज बोले हैं, जिस पर सोशल मीडिया में शेर अफजल मरवत पर तनकीद भी हो रही है। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद चौधरी के एक बयान पर रद्दअमल दिया। हिबा फवाद चौधरी ने एक बयान में कहा कि वो एक वंडरफुल बेगैरत है। शेर अफजल मरवत ने इस बयान को शेयर करते हुए कहा कि मैं आपके शोहर के दर्जे तो नहीं जानता कि वो अपनी बीवी के पीछे पना लेगा, माजी में भी आपने उनकी बहुत मदद की है। शेर अफजल मरवत ने हिबा फवाद चौधरी पर जाती नोयत की तनकीद भी की और कहा कि आपके शोहर कमाल का नहीं बल्कि एक होनलाक बगैरत है। शेर अफजल मरवत और हिबा फवाद चौधरी की जानिब इन ट्वीट्स पर सहाफियों और सोशल मीडिया सारफीन ने शदीद मुजम्मत की। राय साकिब खर ने इन ट्वीट्स को शेयर करते हुए कहा कि कुछ भी कहने को अल्फाज नहीं है। एंकर पर्सन सहाफ़ी समिया पाशा ने इस बयानबाजी को इंतहाई काबिल मजम्मत करार दिया, जबकि शेर अफजल मरवत ने मजीद कहा कि माजी में भी आपने उसकी बहुत मदद की है। अब मुझे आपके ज़िला में फैली इस खबर पर यकीन है कि आपके ससुराल के अबाओ अजदाद शुदर जात से थे और इनकी जिस्मानी खसूसियात इसकी तस्दीक करती हैं। आपका शोहर कमाल का नहीं बल्कि एक होनलाक बगैरत है। जिस पर नादिर बलोच ने कहा कि लफ्जों का चुनाव देखें, इख्तलाफ राय पर ऐसे अल्फाज का चुनाव करना जेब देता है, शायद यही वजह थी कि उन्होंने हमें ब्लॉक भी कर दिया है। जबकि एक सारिफ ने कहा कि इस धरती पर शेर अफजल मरवत जैसा बेशरम और जमीर फरोश शख्स पैदा ही नहीं हुआ, ये मंशियात का आदि है जो नशे की हालत से बाहर ही नहीं आता।